आज मालेगांव शहर एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मालेगांव शहर बार काउंसिल में बार काउंसिल के तमामी लोगों के साथ मुलाकात कर उनके साथ में मीटिंग कर सत्यजीत तांबे आज मालेगांव शहर कोर्ट में हाजिर हुए। उसी के साथ साथ एटीटी हाई स्कूल वो जेटी स्कूल में मुलाकात की। उसी के साथ साथ बंडू काका बच्चों से भी सत्यजीत तांबे की चर्चा और मुलाकात हुई। तो वहीं बार काउंसिल की मीटिंग के फौरन बाद मालेगांव शहर शैदा एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी उनसे भी मुलाकात हुई। बंडू काका बच्चों ने सत्यजीत तांबे का सत्कार किया और सत्कार के बाद उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं मालेगांव शहर शैदा एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी लियाकत शैदा ने भी सत्यजीत तांबे सर का सत्कार किया और वहीं स्कूलों के मसाइल पर उनसे तफसीली गुफ्तगू भी की और उनसे स्कूलों के मसाइल पर बातचीत भी। लियाकत शैदा ने सत्यजीत तांबे से स्कूलों के मामले पर बातचीत की। तो वहीं अब तक न्यूज चैनल ने उनसे कई सवाल जवाब भी किए, सुन सकते हैं आप। प्रत्येक वर्ष 20% ग्रांट बढ़ना था लेकिन 2016 से लेकर 2023 तक उस पर अमल बजूरी नहीं हुई। अब नया 2023 का नया जीआर आ गया। अब इसमें सबको सर्वसामान्य एक समान 20% का जी उसको ग्रांट बढ़ा दिया गया। तो 7 सालों तक इसके ऊपर कोई भी फॉलोअप नहीं लिया गया था। क्या आप इसके ऊपर कंटिन्यू फॉलोअप लेंगे? हमारे साथ में सत्यजीत तांबे सर है जो मालेगांव शहर नहीं बल्कि 5 जिलों के शिक्षण एमएलसी मुंतखब हुए हैं और कई दिनों से चर्चा में चल रहा था मालेगांव शहर का ग्रेजुएट असेंबली हल्के का जो चुनाव था जिसके लिए डॉक्टर सुधीर तांबे सर के सुपुत्र सत्यजीत तांबे उम्मीदवारी कर रहे थे। मालेगांव से काफी अच्छी लीड भी मतलब आपको मिली है, वोटों की लीड मिली है, जीत मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आज चुनाव का नतीजा आने के बाद तुरंत ही सबसे पहले ही मैंने मालेगांव से मेरा आभार दौरा शुरू किया है। मालेगांव की तमाम जो मतदार थे उन सबका मैं शुक्रिया अदा इस आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। साथ ही साथ मैं आज जैसे कि मालेगांव वकील संघ में आया था, मालेगांव के बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आज मैं जा रहा हूँ और धुले नासिक हर जगह मैं आज जाऊँगा। बड़ी तादाद में लोगों ने हमें समर्थन दिया है और इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज है और आगे 6 साल के लिए क्या काम करना है उसका भी एक एजेंडा बनाने के लिए लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है। इलेक्शन के पहले मैं इनको नहीं मिल पाया था इसलिए इलेक्शन के बाद मैं आके उनका शुक्रिया अदा करूँ। सर आज मालेगांव दौरे तो कौन सा प्रोविजन का है? आभार दौरा आता तेच सगळ्यांशी जेव्हा मी बोलतो आहे सगळ्यांच्या समस्या समजून घेतोय त्याच्यातूनच पुढे काय काम करायचं त्याचा अजेंडा तयार होणार आहे। सर एक आखरी सवाल, 2016 का एक जीआर था जिसमें हर स्कूल को प्रत्येक वर्ष 20% ग्रांट बढ़ना था लेकिन 2016 से लेकर 2023 तक उस पर अमल बजूरी नहीं हुई। अब नया 2023 का नया जीआर आ गया। अब इसमें सबको सर्वसामान्य एक समान 20% का जी उसको ग्रांट बढ़ा दिया गया। तो 7 सालों तक इसके ऊपर कोई भी फॉलोअप नहीं लिया गया था। क्या आप इसके ऊपर कंटिन्यू फॉलोअप लेंगे? मैंने कल ही शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी से मिलकर इन सब विषयों के ऊपर विस्तार से बात की है और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें अगले हफ्ते का थोड़ा सा टाइम दे, 1-2 घंटे का टाइम अगर वो देते तो ये सारे जो शिक्षा से रिलेटेड मसले उनको मैं उनके सामने रखने वाला हूँ। जो स्कूल 13-14 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका अभी तक 20% भी नहीं हुआ। नहीं, सही बात है, वो पूरे महाराष्ट्र का मसला है तो इसको मैंने शिक्षा मंत्री से बात की है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अगले हफ्ते मुझे टाइम देंगे तो सारे लोगों को मैं लेके जाऊंगा और उनके सामने इसको विषय को रखने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया अब तक न्यूज से मुलाकात करने के लिए। हमारे साथ सत्यजीत तांबे सर थे जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसके ऊपर क्या निर्णय होगा। उन्होंने एमएलसी चुनाव जीतने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया। अब देखना ये कि 2016 से लेकर 2023 तक जिन जीआरओ पर फॉलोअप नहीं लिया गया था 20% हर वर्ष हर साल जो ग्रांट बढ़ना थी वो 2016 के जीआर के मुताबिक नहीं बढ़ी। अब 2023 का नया जीआर आया है। अब इस पर देखना ही है कि 2023 के जीआर पर क्या इसमें फॉलोअप लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये एक सवाल है। ये सवाल बना रहेगा उस वक्त तक के लिए जब तक कि 2016 से लेकर 2023 तक फॉलोअप नहीं लिया गया था। अब 2023 से लेकर आगे 2029 तक का इसके ऊपर क्या अमल बजौनी होती है, अगर कुछ निर्णय निकल गया तो हम इसके ऊपर फॉलोअप लेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अगर शैदा आज हमारे साथ थे, उन्होंने भी मतलब यहाँ पर सत्यजीत तांबे सर का सत्कार किया, स्वागत किया और अपनी बात उनसे रखी है, खुसूसी मुलाकात की है, कुछ विषयों पर उनकी बातचीत हुई है। अब देखना ये कि क्या उन बातचीत का कोई निर्णय निकलता है या नहीं निकलता है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह कैमरामैन छोटू शाह के साथ।